नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ फूलपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मंसूर आलम साहब हैं। मंसूर आलम जी छात्र नेता से ही राजनीति में सक्रिय रहे और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पिछला विधानसभा आपने फूलपुर विधानसभा से लड़ा था, जिसमें लगभग 67,000 से ज्यादा वोट आपने प्राप्त किया था। आइए आज हम जानते हैं 2022 के चुनाव में होने वाले सीनेटों के बारे में। मंसूर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपने 2017 में चुनाव लड़ा, पहले विधानसभा चुनाव में 67,000 वोट बहुत मायने रखता था, और फिर 67,000 वोट पाकर डिफीट होना, इसके पीछे क्या कारण आपने सोचा या पाया? सर, क्या कहते हैं, इसके पीछे बहुत विशेष कारण नहीं था, और जो भी कारण रहा होगा, अगर हमें कुछ दिन पहले टिकट मिल जाता है, हम पहले से अपने स्तर से तो व्यक्तिगत अपने संबंधों, व्यक्तिगत सेवा के कारण हम काफी करीब लाख वोट से ऊपर पाते हैं। हमें टिकट 15 दिन पहले मिला, माननीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया, मैं आजीवन उनका शुक्रगुजार रहूंगा। और बस यही वजह है, और सारी जो परिस्थितियां थी कि भारतीय जनता, वो सब मैं अपने सेवा से, जनता की सेवा से मैं खत्म कर देता, और करीब 1,00,000 से बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, मैं विधानसभा पर बात अभी थोड़ी देर में करूंगा, उसके पहले मैं फूलपुर नगर पंचायत के बारे में बात करना चाहता हूँ। फूलपुर नगर पंचायत का अध्यक्ष रहते हुए फूलपुर के लिए आपने कौन सा ऐसा विकास का काम किया था? सर, मैंने यादगार इतना विकास किया, किसी भी तरह से कोई सड़क बची नहीं, जहाँ मैंने इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, डामर रोड न कराया हो, और जो भी वहाँ की मौजूद सुविधाएं थी हमने वो पूरा किया, और आज भी हमारा कार्यकाल एक इतिहास के रूप में लोग याद करते हैं। फूलपुर विधानसभा में पहले से आपके चुनाव लड़ने की योजना थी कि अचानक आपको टिकट मिला है? इस पर लोग कहते हैं कि बस नहीं, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि सर हमें इसके पहले प्रतापपुर विधानसभा में नगर पंचायत पूर्व जी, लेकिन जब परसीमन 2012 में हुआ तो उसमें नगर पंचायत फूलपुर चलाया, क्या कहते हैं, झूसी विधानसभा में चलाया, तो प्रतापपुर विधानसभा में मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी। पहले आपका लड़ने का विचार प्रतापपुर विधानसभा था? हाँ, क्योंकि प्रतापपुर था, ये शुरू से था, हमें प्रतापपुर विधानसभा से 2002 में अपना दल से टिकट देने का था, पूरा सोने लाल जी दे रहे थे, ठीक है, अहमद साहब, लेकिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के, मैं अथाह उनको अपना सेवक मानता हूँ, अथाह उनकी इज्जत करता हूँ, हमने टिकट ठुकरा दिया। ये माननीय धर्मेंद्र यादव, संग्राम यादव जो अतरदुनिया के विधायक, वो जानते हैं, क्योंकि मैं सन 2000 में हमारी पत्नी चेयरमैन की चुनाव हारी थी 106 वोट से, मेरी बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, इज्जत थी वहाँ पे, और बहुत हमको लोग कहने लगे, बहुत लोग, चुनाव आप बीजेपी का कार्यकाल था, मुख्यमंत्री था, उसमें लोग कहते थे कि आप बेमानी से हार गए, और हो सकता है, तो मेरी बहुत ही क्रेज था, अगर 2001 में 2 में हम चुनाव लड़ते अपना दल से तो हम जीत भी जाते, कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ के अपना दल में जाना नहीं चाहते। हाँ, मतलब आप ये बताइए 2022 की कैसी तैयारी है? सर, 22 की जहाँ तक बात है, 22 की तो मैं रात दिन तैयारी कर रहा हूँ, और मुझको पूरा विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया था, दूसरों में चेयरमैन नहीं था, आज मेरी पत्नी चेयरमैन है, और करीब 68,000 वोट मुझे मिला, और वो 68,000 वोट जो मुझे मिला वो करीब 15-20 दिन के अंदर चुनावी प्रचार में मुझे मिला, और मेरा व्यक्तिगत नगर पंचायत फूलपुर से हम काफी अधिक मतों से चुनाव जीते, लेकिन पूरी विधानसभा मिला के चुनाव हार गया। हम एक ही बात कहना चाहता, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें उस वक्त टिकट दे दिया जिस वक्त मैं चेयरमैन भी नहीं था, आज मैं जब चुनाव होगा तो हमारी पत्नी चेयरमैन है, और मैं 68,000 वोट करीब उसको भी एक
समाज में अपनी विधानसभा में मेरा एक सेवा भाव काफी दिनों से चल रहा है और 68,000 वोट मुझे प्राप्त हो चुका है। आज दो चीज ऐसी है कि मैं चेयरमैन भी हूँ और 68,000 वोट में पा चुका हूँ और रात दिन में अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर पे जाके काम करता हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। नहीं सर, ये कुछ लोग कहते हैं कि अगर बसपा का प्रत्याशी सुजातीय ना होता तो मंसूर आलम का चुनाव दूसरा होता, इसको आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए वो बात तो सही है, जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, माइनॉरिटी का 85-90% वोट हमी को मिला था, तो इसका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका फर्क बस ये पड़ा कि उस वक्त जो वेव चला था भारतीय जनता पार्टी का, उस वेव ने हमें हरा दिया। मतलब माइनॉरिटी का वोट हमें कहीं कर नहीं पड़े, लेकिन हमें माइनॉरिटी और समाजवादी पार्टी से समर्पित वोट जो है वो छोड़ के बहुत ही हमारे संबंधों पे बहुत कम वोट मिला। अच्छा नेताजी, नगर पंचायत में तो पूरी तरह से हमको जीत हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, 3 साल का समय बीत गया जी सर, फूलपुर के विधायक भाजपा के हैं, सत्ता से भी है जी सर, जी सर, आप एक विपक्ष के नेता के रूप में उनका कितना आकलन करते हैं, किस तरीके से आकलन करते हैं, उन्होंने क्या किया समाज के लिए या फूलपुर विधानसभा के लिए? जहाँ तक ये बात है, हम किसी भी इंसान को अच्छा ही मानते हैं, जो विधायक के रूप में हो। नहीं, इंसान अच्छा ठीक है, उसका काम भी तो अच्छा होना चाहिए। काम जहाँ तक उनका है, अब लोग बताते बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ तक उनके काम के बारे में हमें इतना, बहुत पटेल जी जितना हो सकते हैं उनके है, हम समझते हैं उनको अच्छे इंसान हैं, और जो अच्छा इंसान होता है वो कभी किसी के लिए बहुत ही असहज नहीं होता। और जहाँ तक काम की बात है, जैसे बहुत इलाकों में काम नहीं होता उनका, बहुत इलाकों में काम होता है। तो इलाकों में काम नहीं होता, क्या कुछ भेदभाव वाली भावना उनके अंदर है? अब भेदभाव जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी में तो पूरा भेदभाव ही है, उसकी विचारधारा अलग होनी। लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पे जहाँ तक समझते हैं और मैं उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पे जो हमारी रीडिंग है वो अच्छी इंसान। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार से समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में आप कितना संतुष्ट हैं? क्या कोरोना संकट से निपटने में सरकार सफल रही है या पूरी तरह सफल रही है? जहाँ तक सरकार की बात है, अब ये तो हमारे देश में सरकार ही की देन है, सेंट्रल सरकार की देन है कि यहाँ कोरोना शुरू में जो हमारी रेटिंग है कि विदेश से फैला है ये, तो अगर विदेशियों को तुरंत पूरी तरह से, तो इतनी सख्ती करनी चाहिए थी इस भी कि एक भी विदेशी बगैर क्वारंटाइन के, बगैर किसी अगर उसकी जांच के अपने देश में अगर आया उसको आने नहीं देना चाहिए था। ये मीनिंग नहीं है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही रही हो या जो भी कहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार की लापरवाही मानेंगे क्या किसी पार्टी की? अब सरकार ही की लापरवाही है, पार्टी तो पार्टी है ही है भाई, सरकार ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार ही की लापरवाही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मान लीजिए कोई कार्यकर्ता है उसकी लापरवाही। सर, आज जो बेरोजगारी बढ़ी है ये कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट आया है, कितने आप इसको गहरा मानते हैं और क्या मानते हैं कि भारत कब तक उबर जाएगा? देखिए अब ये तो हमें इतना बड़ा शास्त्री तो है नहीं, पॉलिटिकल है, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारा देश बढ़ेगा जरूर, उस टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि हमारे देश के लोग काफी मेहनती हैं, सूझबूझ के लोग हैं, और ये हमारे बहुत जल्दी हम समझते हैं हमारे देश में जन सामान्य की तो हमारी आर्थिक स्थिति। अच्छा एक बात कहिए सर, राजनीति में अवसरवादिता बहुत बढ़ गई है, लोग अवसरवादी राजनीति बहुत करते हैं, यानी कि यदि उनका सोर्स है और उनके पास पैसे हैं तो किसी भी दल में वो जाकर के विधायक और मंत्री बन भी सकते हैं, बनते भी हैं, ये अवसरवादी राजनीति कितना घातक है देश के लिए? देखिए अवसरवादिता, देखिए जिंदगी जो है, देखिए होता है कोई भी इंसान जो इंटेलेक्चुअल है देश के लिए अलग है, देश के लिए सब कुछ कुर्बान है, लेकिन आदमी आगे खुद बढ़ना चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मान लो कोई मेरा साथी मतलब राजनीति आगे अपने, तो अपने विकास हाँ, के लिए, अपने विकास के लिए, जहाँ तो हमारी रीडिंग है विकास करता अपने विकास के लिए राजनीति में बदलाव, जहाँ जो उसको सम्मान मिलता है
जहाँ पे उसको टिकट मिलता है, उसके समझ में आता है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे मैं 2002 में मुझे विधानसभा का टिकट अपना दल से मिल रहा, तो मैं जीत भी सकता था। अपने राष्ट्रीय नेता से इतना उसको प्यार हो, इतना उसका झुकाव हो, विचारधारा से इतना गहरा लगाव हो कि पार्टी ने छोड़े। हाँ, विचारधारा क्या व्यक्ति विशेष, हम विचारधारा से ज्यादा व्यक्ति विशेष को मानते हैं कि अपना नेता से कितने मोहब्बत है। अच्छा नेताजी, एक बात और बताइए, जैसे कभी बीच में गठबंधन का दौर चला, पार्टियां गठबंधन की सत्ता में आई, पार्टियों ने गठबंधन किया, बहुत बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ था लोकसभा में और बसपा और सपा का, यानी कि यदि आप अपना वोट और अगर मसरूर सेठ का वोट जोड़ लीजिए विधानसभा का, तो 130,000 लगभग चला जाता, लेकिन फिर भी जो है लोकसभा में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति खत्म हो गई है? नहीं, देखिए गठबंधन का जो समर्पित जगह थी, लेकिन लोगों ने इसका प्रचार किया, इसका वो किया कि समर्पित वोट को छोड़ के हम बदायूं में माननीय धर्मेंद्र जो कि चुनाव को नजदीक करके, और बाद में हमने समीक्षा की इलेक्शन खत्म होने के बाद, माननीय धर्मेंद्र जो संसद से कहा हम लोग इनसी विधानसभा के हम बहुत खास तौर से देख रहे थे माननीय बदायूं में, तो वहां जो मैंने बूथ वाइज समीक्षा किया तो मैंने देखा मनोज भाई कि जो भी बहुजन समाज पार्टी का समर्पित वोट था उस वोट में अगर 500 वोट निकला, अब वहां जाटो समाज का वोट है, तो 500 में 490 वोट धर्मेंद्र यादव, लेकिन जहां दूसरे कास्ट का वोट है वहां पे बसपा को वोट मिला, लेकिन सपा को वोट उनको नहीं मिला, सपा को भी मिला, सपा को तो व्यवहारिक रास्ता मिला, एक विधानसभा गुरनौर है, वहां के विधायक यादव जी हैं, उनकी वजह से कुछ यादव का वोट उन्होंने कुछ इस तरह से क्या किया सर, ज्यादा समर्थन न करिए नहीं तो आपके नेता नाराज हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब गठबंधन की राजनीति हो सकती है या नहीं। देखिए जहां तक हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी छोटे मोटे दल जो हमारे देश में हैं, जिनकी भी अपनी साख है, जो पार्टियों में से राष्ट्रपति की पार्टी एक दो जिलों में, हाँ दो चार जिलों में, और अब तो पूरा उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ ही आस लगाए बैठा है, और जहां तक हम समझते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि फैसला लेना है, और इतने सूझबूझ वाले हैं, बहुत ही हर चीज की समझ है, वो अगर गठबंधन करते हैं तो समझिए वो सही कर रहे हैं, अगर वो नहीं करते मतलब पार्टी नेतृत्व तय करेगी गठबंधन होना है या हाँ वही होगी। अच्छा नेता जी एक चीज और बताइए, जब सपा बसपा गठबंधन नहीं सफल हुआ, ऐसी स्थिति में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे टक्कर देंगे, इसके पीछे क्या कारण होगी कि वो हारेगी? देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देखता है, अब बगैर गठबंधन के भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, क्योंकि बिल्कुल ही हमें आम जनता में जो एक बहस है, यही बहस है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये बात जनता सरकार चाहती है, और बहुत सारे समीकरण उधर हो जाएंगे। नहीं ये बताइए कि आरोप लगता है कि अखिलेश सरकार में गुंडे बहुत होती थी, कब्जा बहुत होता था और जंगल राज टाइप था, क्या सर ऐसी तो बात हम नहीं समझते। अब देखिए मीडिया पे भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा ज्यादा असर है, अब मीडिया थोड़ा समाजवादी पार्टी के जो हम देखते आए हैं तो कुछ ज्यादा ही अपनी दूरी बना के मीडिया उनके खिलाफ मतलब आलोचनात्मक टिप्पणियां ज्यादा कर, वो ज्यादा करती है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा नहीं, आज हम देखें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी सरकार, आप खुद फील करिए कि इनजस्टिस बहुत कम होता था, जो आज भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो अन्याय हुआ है सरकारों में, दो दो साल पुराने मुकदमे लगा दिए गए,
बहुत इंजस्टिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या समाजवादी पार्टी में कभी बदले की राजनीति कभी। अच्छा नेताजी लोग फूट फूट बीजेपी क्या कहते हैं हमेशा हम जानते हैं कि एक भी बीजेपी या बहुजन या कांग्रेस के खिलाफ कभी भी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कभी समाजवादी सरकार में उत्पीड़न नहीं हुआ एक वाक्य भी आप बताए। सर मैं फूलपुर की राजनीति पे आता हूँ। फूलपुर और प्रतापपुर दोनों अगल बगल हैं और दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है लेकिन वो जीत नहीं पाई। आपकी फूलपुर दूसरी पसंद है प्रतापपुर पहली पसंद थी और मैं ये जानना मेरी अब पहली पसंद हो गई। अच्छा अब मतलब वहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ ना फूलपुर में जा रहा हूँ मेरा ये कहने का मतलब है फूलपुर में और भी बहुत ढेर सारे दावेदार हैं ऐसे कंडी और मुझे कुछ सुगबुगाहट भी है कि प्रतापपुर के विधायक फूलपुर से अपनी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2017 वाली स्थिति ना बने इसलिए क्या मंसूर आलम प्रतापपुर को च्वाइस करेंगे? सर 2017 वाली स्थिति तो बन ही नहीं सकती क्योंकि मैं जनता हमको इतना सम्मान इतना मैं जनता का सम्मान दे रहा हूँ और आम जनता मेरे साथ चट्टान की तरह इस बात खड़ी है। मतलब आप फूलपुर से ही लड़ेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला करेंगे हम चाहते हैं कि अगर मुझसे भगवान या मालिक साक्षात्कार अगर मुझसे कहे कि आप विधायक बनना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं एक आप बनेंगे अगर आप विधायक बनेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम कहें यही कहेंगे मैं विधायक नहीं तो विधायक ही तो मुख्यमंत्री बनाता है। हम नहीं बनना चाहते मगर अच्छा। हम कि आप ना बनोगे लेकिन सरकार बन जाएगी तो हम कहें मुझको विधायक मतलब आप अगर आपसे ज्यादा जो भी कोई प्रत्याशी मिलेगा और उनको आपके अध्यक्ष को लगेगा तो आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला ही हम अपना सौभाग्य समझते। अच्छा चलिए सर ठीक है मैं मान के चलता हूँ कि मंसूर आलम जो है फूलपुर से लोक विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि फूलपुर विश्वास पूरा है फूलपुर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको टिकट सर ठीक है हम भी अपील करते हैं कि अगर मेरी आवाज भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाए तो आपके नाम पर जरूर विचार करूँ। नेताजी आप ये बताइए आज तक मैं प्रभारी हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा का। बिल्कुल बिल्कुल आप हर चीज विधानसभा के आज तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको पूरा सर हमने हर चीज हम ही कर रहे हैं। सर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके निवर्तमान सांसद को टिकट लोकसभा का नहीं दिया था ये भी कहा जाता है कि उनको जो है ये कहा गया है कि आपको फूलपुर से चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल ये आपकी पार्टी का मसला है मैं मान के चलता हूँ कि मंसूर आलम जी फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप ये मुझको बताइए कि फूलपुर के विकास के लिए आपने अपने दिमाग में क्या योजना बनाई है कि अगर आप विधायक होते हैं तो वो टिकट दो। सर हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि फूलपुर विधानसभा में जो बेरोजगारी है क्योंकि सर हम तो हॉस्टल में रहे हैं और वो मैं वो करके दिखा दूंगा कि फूलपुर से बेरोजगारी दूर हो जाएगी और मेरा इतना विश्वास है अपने हिंदुस्तान के पूंजीपतियों पे और मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं यहाँ पे कम 20 फैक्ट्री लगवा दूंगा अपने देश के पूंजीपतियों से क्योंकि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रोजेक्ट हैं हम जानते हैं कि किसी से रिक्वेस्ट कैसे किया जा सकता है और जिससे उनको भी जमीन मुहैया मतलब आप उद्योगपतियों को जमीन देंगे कि यहाँ फैक्ट्री लगाएं और स्थानीय लोगों को रोजगार भी दें। ये मेरा सबसे अहम है फैसला रहेगा और मैं कर दूंगा क्योंकि हम समझते हैं कि अगर मुझसे किसी से मुलाकात जब मैं विधायक हो जाऊंगा तो हिंदुस्तान के किसी भी पूंजीपति से मैं मुलाकात जरूर इतनी पकड़ भी है आपकी एक विधायक से लोग मिल लेते हैं मैं उनको कन्विंस कर दूंगा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाए और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। नेताजी मैं क्लोजिंग करने के पहले एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूँ आप जो है फूलपुर की जनता को हमारे टॉक शो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले फूलपुर की जनता एक मिसाल बने पूरे हमारे हिंदुस्तान में प्रदेश में यापन में भाईचारा से रहे एक दूसरे की सेवा करें सम्मान करें और हम अपने फूलपुर की जनता से ये प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सेवा में हम आजीवन तत्पर रहेंगे। जब कभी भी हमारे लायक कोई बात हो मेरा नंबर है या मनोज भाई के माध्यम से
मेरे तक वो संदेश पहुंचेगा। मैं हर स्तर से भोजपुर की जनता के सम्मान के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, यही मेरा दर्ज। वैसे अब इस पर सेवा के लिए आप खड़े रहेंगे, कोरोना संकट के दौरान भी आपने सेवा की है? हाँ, बहुत सेवा की है, बहुत सेवा। चलिए नेताजी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ फूलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता मंसूर आलम साहब थे। मंसूर आलम साहब का कहना है कि फूलपुर में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर उनकी पार्टी उनको टिकट देगी तो फूलपुर से आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रयास से वे फूलपुर में उद्योगपतियों को लाकर उद्योग लगवा के गरीबों को या आम आदमी को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका भरोसा है। प्रतापपुर उनकी सेकंड च्वाइस है, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसलों को वो मानेंगे। आगे भी हम आपको प्रयागराज के तमाम नेताओं से मिलवाते रहेंगे, देखते रहिए मनोज।